मस्त बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, फार्मेसी एज अ कैरियर। और समझें कि फार्मेसी में हमारे पास क्या क्या कैरियर है, कहां कहां जाकर हम लोग जॉब कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो छोटा सा फ्लो चार्ट है, देखा होगा शायद तुम लोगों ने, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब देख लो। ठीक है, फार्मासिस्ट की जॉब ऑब्वियसली बात है, फार्मेसी करने के बाद क्या बनने वाले हो, चाहे डी फार्म हो, चाहे एम फार्म हो, चाहे बी फार्म हो, कहलाओगे क्या? फार्मासिस्ट। ठीक है ना। अब आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेटिंग। प्रैक्टिस सेटिंग का मतलब क्या है, जहां पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल फार्मेसी, जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी होती है, ठीक है, एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है ना, जो क्लिनिकल जहां पर ट्रायल्स वगैरह होते रहते हैं। अदर सेटिंग की बात करें तो एकेडमिक आप पढ़ा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मतलब आप किसी ऐसी संस्था को जुड़ सकते हो गवर्नमेंट की, जहां पर ड्रग्स को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। टीचिंग में भी दो टाइप की टीचिंग होती है, आप एक जनरल चीजें पढ़ा सकते हो, है ना, जैसे कि डी फार्म बी फार्म के बारे में, और साथ साथ में आप टीचिंग में रिसर्च में, है ना, जो पीएचडी होल्डर्स होते हो उनको रिसर्च करने में हेल्प कर सकते हैं। आगे आते हैं, अगर बात करें इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा स्कोप इसका, या यूं कह लें कि सबसे बड़ा जो जॉब प्रोफाइल है इसका, इंडस्ट्री में आता है। आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं दवाइयों के प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, पैकेजिंग, ड्रग्स की जो पैकेजिंग होती है, रेगुलेटरी, है ना, कंपनी को कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं ड्रग्स को फाइनली मार्केट में लाने तक, कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये ओवरफ्लो है, दो नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो एक चार्ट बना करके एक एक लाइन इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और तीन नंबर में आ गया तो सेम चार्ट बना करके दो दो लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और जरा समझे इसको, प्रैक्टिस सेटिंग में क्या क्या है, एक एक लाइन में सबको समझ ले। ठीक है, प्रैक्टिस सेटिंग की बात करें अगर हम लोग, प्रैक्टिस सेटिंग मतलब जहां पे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे डॉक्टर्स लोग कहते हैं ना हम लोग कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, जहां पे आप डायरेक्ट किसी से जुड़ जाएंगे, ठीक है, और एक तरह से पेशेंट से आप यहां पे आके डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी में समझा चुका हूं कुछ और नहीं है, ये अपना क्या होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, ठीक है ना, इसको भी डिटेल में करेंगे हम लोग, डिटेल में आएगा सेकंड ईयर में कम्युनिटी फार्मेसी। मेडिकल स्टोर एक हम लोग देखते हैं छोटे मोटे जो अपने गली मोहल्लों में या दुकानों में होते हैं, और एक होता है प्रॉपर मेडिकल स्टोर बड़े वाले, वो भी कम्युनिटी होते हैं, समझेंगे उन्हें डिटेल में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आते हैं कम्युनिटी फार्मेसी, है ना, जहां पे दवाइयां रिटेल की जाती हैं, बेची जाती हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में क्या रहेगा, कम्युनिटी फार्मेसी इज अ फार्मेसी, एक फार्मेसी होती है दैट डील्स डायरेक्टली विद द पीपल इन द लोकल एरिया, है ना, अपने लोकल एरिया में लोगों से डायरेक्ट डील करता है। इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग, इसके पास जिम्मेदारियां होती हैं, उसमें कौन कौन चीजें इंक्लूड होंगी, कंपाउंडिंग, दवाइयों को देना, काउंसलिंग, पेशेंट को काउंसिल भी कर सकता है क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, चेकिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आया उसको चेक करेगा और दवाइयां देगा, टू द पेशेंट विद केयर, ध्यान से, एक्यूरेसी एंड लीगैलिटी, ठीक है ना, हर कानून को चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्यूरेट होनी चाहिए जो प्रिस्क्रिप्शन आया है या दवाइयां दे रहा है, और ध्यान रखेगा पेशेंट का। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिटी फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें, वहां पर जो फार्मासिस्ट होता है उसका काम ये तो होता ही है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा अलग होता है, क्या अलग होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी इज द हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है ना, ये एक हेल्थ केयर सर्विस होती है विच कंप्राइजेस, जिसके अंदर द आर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ चूजिंग, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अभी ये थोड़ा सा क्या है, आर्ट, आर्ट मतलब क्या है, यहां पर थोड़ी सी सूझबूझ देखनी होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, डिस्पेंसरी का काम तो अलग होता है, साथ साथ में डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं ना उनको भी फार्मासिस्ट क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं है, इस प्रकार कोई इंटरेक्शन है या नहीं है, फार्मासिस्ट वहां पे अपना रोल प्ले करते हैं, इसलिए कहा गया आर्ट। आर्ट क्यों कहा गया है, आर्ट का मतलब होता है जब आप अपना दिमाग लगाते हो किसी चीज में, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उसका इस्तेमाल करते हो, तो हम उसे आर्ट बोल देते हैं। प्रैक्टिस हो गई है एंड प्रोफेशन ऑफ चूजिंग, और आपको चूज करना होता है बेस्ट, जो पेशेंट के लिए बेस्ट होता है, प्रिपेयर करना होगा, है ना, दवाइयां होती हैं उनको प्रिपेयर करना होता है, स्टोरिंग उनको स्टोर करना है, कंपाउंडिंग देना होगा एंड डिस्पेंसिंग, ठीक है ना। कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब देना नहीं होता है, कंपाउंड मतलब होता है जब आप दो या तीन दवाइयों को मिला करके क्या बनाते हो, एक नई दवा बना देते हो, ठीक है ना। मान लो कंपाउंडिंग का मतलब समझा दूं मैं, जैसे कि मान लो मार्केट में मेडिसिन है 200 mg की और 400 mg की, डॉक्टर ने कहा नहीं भैया इसे या तो 150 mg दो या 300 mg दो, अब 150-300 मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, 150 और 300 mg की दवाइयां बनाते हैं, ठीक है ना, उसको समझेंगे सेकंड ईयर में डिटेल में, फिलहाल यहां पे सिर्फ हमारे पास क्या कंपाउंडिंग का मतलब समझा रहा था मैं। डिस्पेंसिंग हो गया फाइनली दे देना,
मेडिसिन एंड मेडिकल सर्विस। और मेडिकल सर्विस मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मेडिकल सर्विस में सब कुछ आता है, पैथोलॉजी आती है, इमेजिंग आती है, ठीक है ना, मतलब हर एक चीज आती है। एडवाइजिंग पेशेंट, पेशेंट को एडवाइस कर सकता है, डॉक्टर को एडवाइस कर सकता है, नर्सेस को एडवाइस दे सकता है, एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एडवाइस कर सकता है ऑन देयर सेफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज, कि दवाइयों का किस तरह से सेफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि कई बार कुछ एक्सरे होते हैं, कलर्ड एक्सरे सुना हो शायद, एक साधारण एक्सरे होता है, ले लिया ब्लैक एंड व्हाइट, एक होता है कलर्ड एक्सरे, उसमें एक दवाई इंजेक्ट की जाती है हमारी बॉडी में, नहीं सुना होगा तो कभी जाना आपकी बार पूछना एक्सरे वालों से, क्या कलर्ड एक्सरे नाम की भी कोई चीज होती है, वो बताएगा। तो वहां पर केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हर जगह इनका रोल रहता है, थोड़ा सा रोल बढ़ गया इसका, इसका रोल सीमित था, इसका रोल थोड़ा सा बढ़ गया। नाउ क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क डायरेक्टली विद फिजिशियंस, ये डायरेक्टली फिजिशियन से जुड़ा हुआ है, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, और जो दूसरे क्या है, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि हेल्थ प्रोफेशनल मतलब कौन कौन हो सकते हैं अपने यहां पर, जैसे पैथोलॉजिस्ट हैं या ड्रगिस्ट हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, एंड पेशेंट टू इंश्योर दैट, ठीक है, डायरेक्ट डॉक्टर से जुड़ा हुआ है और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ है और पेशेंट से जुड़ा हुआ है, तीनों जुड़ा हुआ है, टू इंश्योर सुनिश्चित करता है दैट द मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ आउटकम। इन तीनों के साथ ये टच में रहता है क्लिनिकल फार्मेसी में, दवाइयों पर नजर रखता है और नजर रखता है कि जो दवाई दी गई है पेशेंट को उसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम आएगा, उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा किसी भी पेशेंट के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे आते हैं। ये तो होगी अपनी उसमें प्रैक्टिस सेटिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज की, ठीक है ना। बात करते हैं किसकी, इंडस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यहां पर क्या क्या रोल है, यहां पर बहुत ज्यादा रोल होता है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, अब मार्केटिंग तो पता ही है, तो थोड़ा देखें क्या है, ब्रॉडली स्पीकिंग बड़े लेवल पर बात की जाए, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इन्वॉल्व ऑल ऑफ द प्रमोशनल एक्टिविटी, दवाइयों को प्रमोट करना है, कहां से, मैन्युफैक्चरर से लेकर के फाइनली पेशेंट तक पहुंचानी है उसको, कैरिड आउट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड केयर अ रियलिटी। रियलिटी भाई, जो चीज बनाई है वो मिल तो जाए, जब मिल गई हमने इस्तेमाल कर ली तो रियल हो गया वो, दैट इज कॉल्ड रियलिटी। इंग्लिश को लिखने का थोड़ा सा तरीका होता है, बिल्कुल एकदम हिंदी जैसी नहीं लिखी जाती है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ चलता हूँ, ठीक है। जो चीज बनाई है वो रियलिटी हो जाए एंड अवेलेबल टू कस्टमर, कस्टमर को अवेलेबल हो जाए, यानी कि पेशेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स। कस्टमर कौन कौन है यहाँ पर, पेशेंट है और अदर डिसीजन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स मतलब डॉक्टर्स जो डिसाइड करेंगे कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं देनी है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। कहां से आ रहा है सारा मटेरियल, मैन्युफैक्चरर से आ रहा है, तो यहां पर भी ये बड़ा अपना रोल प्ले करते हैं। क्यों, अच्छा यहां पर क्या काम है, तुम कहोगे यहां तो एडवर्ड छापना, एड छापना एक अलग बात होगी। कभी तुम लोगों ने वो देखी है जो MR वाली बुक होती है, ऐसे दिखाते रहते हैं डॉक्टर्स को, लगभग सबने देखी होगी, MR जाके दिखाते हैं वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जो ये जो फाइल होती है इसमें कंटेंट क्या लिखना है, उस कंटेंट की नॉलेज दवाइयों के हिसाब से है ना, कि ये बेस्ट है इस चीज के लिए, ये बेस्ट है इस चीज के लिए, वो नॉलेज किसके पास है, फार्मासिस्ट के पास है, किसी आम इंसान के पास थोड़ी ना है, ठीक है। आगे आते हैं, देन आता है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मेंटेन करनी भैया यहां पर, एश्योर सुनिश्चित करना है ना, क्वालिटी को सुनिश्चित कर देना कि हाँ है, बेस्ट है। द पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस इज टू इंश्योर, सुनिश्चित करें दैट द मेडिकेशन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विल प्रोवाइड द डिजायर्ड इफेक्ट टू द पेशेंट। ये सुनिश्चित किया जाता है आप ये दवाई खाएंगे तो आपको ये डिजायर्ड इफेक्ट यानी कि ये वाले बेनिफिट इफेक्ट पक्के से मिलेंगे, सुनिश्चित, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पे डिपार्टमेंट रहता है पूरा फैक्ट्री में, वहां पे इसको काम करना रहता है फार्मासिस्ट को, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑल्सो गारंटीज दैट देर आर नो कॉन्टामिनेंट प्रेजेंट एंड दैट द मेडिकेशन विल मीट क्वालिटी। कह रहा है, गारंटी देता है कि यहां पर कोई भी कंटेमिनेंट, कोई भी मिलावट नहीं है, ठीक है, एंड दैट मेडिकेशन विल मीट क्वालिटी, और मेडिकेशन क्वालिटी की बनी हुई है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट, जो क्वालिटी के मायने थे या क्वालिटी के जो आयाम थे उन्हीं के अंदर इनको बनाया गया है, एंड ऑल रिलीवेंट रेगुलेशंस, और सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इसको बनाया गया है। बात समझ में आई। देन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब जाहिर सी बात है, क्या सामान लगना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, क्या करना है, वो सब प्रोडक्शन में आता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिसोर्स जो लाना है, एंड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और वो सारी एक्टिविटी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगती है, है ना। एक तरह से घर में जैसे मदर लोग होती हैं, खाना बनाती है, कितना नमक, कितना चीनी, कितना ये, तो उसी तरह से प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, वो भी फार्मासिस्ट होते हैं, कितना केमिकल डालना है, कितना प्रिजर्वेटिव डालना है, कितना क्या डालना है, वो सब ये डिसाइड करेंगे।
इन ऑर्डर टू कीप द स्मूथनेस ऑफ द ऑपरेशन, ताकि ऑपरेशन स्मूथ चलता रहे, एक फ्लो में चलता रहे, कोई रुकावट ना आए बीच में, एंड डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट इन टाइमली मैनर, जिससे कि मार्केट में दवाइयां समय से पहुंचती रहे, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है कि रिसोर्सेस और इन सब चीजों को मेंटेन करता रहे फैक्ट्री में, ताकि समय से दवाइयां बनती रहे और मार्केट में पहुंचती रहे। पैकेजिंग, पैकेजिंग का बड़ा रोल प्ले होता है ना। पैकेजिंग, जब एक मेरे पास पाउडर या टैबलेट बन गई है, वहां पे पैकेजिंग, फिर वो टैबलेट बन के स्ट्रिप में आ गई, ठीक है, स्ट्रिप की, ठीक है, स्ट्रिप बन के आ गई, स्ट्रिप की, देखो मैं बताऊं पैकेजिंग में कैसे रोल प्ले होता है। पाउडर, पाउडर को तो पैक करते नहीं हो, पाउडर से क्या बनेगी, टैबलेट, टैबलेट से मान लेते हैं पैक हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, एक पैकेट ये बन गया, फिर एक पैकेट ये बनेगा, ठीक है, एक डब्बा रहेगा जिसके अंदर स्ट्रिप वाली डाली जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, ये पैकेट रखे बंद हो गया, फिर ये एक बड़ा कार्टून बनेगा जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इससे पैकेट बनेगा, और इसकी सप्लाई होती है। तो पैकेजिंग कई लेवल पे हो रही है, केवल दवाई की पैकेजिंग नहीं है, सारी बात यहां डिसाइड कवर की जाएगी। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग और ड्रग पैकेजिंग इज द पैकेजेस दैट द पैकेजिंग प्रोसेस इज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ठीक है ना। कह रहा है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग और ड्रग पैकेजिंग इज द पैकेजेस एंड द पैकेजिंग प्रोसेस, पैकेजेस कौन से पैकेट बने, एंड द पैकेजिंग प्रोसेस, यहां पे जो प्रोसेस इस्तेमाल की गई है, इसको इसमें करने के लिए, इसको इसमें करने के लिए, इसको इसमें करने के लिए, ठीक है, फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ये सब इसके अंदर कवर होती है। इट इन्वॉल्व ऑल द ऑपरेशन फ्रॉम प्रोडक्शन थ्रू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू द एंड कंज्यूमर, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाने के बीच में जो कोई भी पैकेजिंग की प्रोसेस है वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। यहां पर भी कौन रोल प्ले करते हैं, फार्मासिस्ट, देखना होता भैया कौन सा किस रैपर में से पैक किया जाए, कहाँ कितना टेम्परेचर पर रखना है वगैरह वगैरह, तमाम चीजें देखता है वो, ठीक है। नाउ रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मतलब होता है नियम कायदे कानून, ठीक है ना। आप फैक्ट्री में है, कोई दवाई बना रहे हो, तो एक नियम कायदे कानून से बननी चाहिए कि ये इसके अंदर इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये इसके अंदर इतनी क्वांटिटी होती है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेगुलेटरी फार्मासिस्ट हेल्प इंश्योर डैट, हेल्प करता है टू इंश्योर डैट ड्रग एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स मीट सर्टन रेगुलेशंस। वो जो ड्रग और प्रोडक्ट है ना, वो कुछ जो कानूनी दायरे के अंदर रहे और उससे मैच करें, बिल्कुल जो डिसाइडेड है कि हाँ ऐसे ऐसे बनना है उससे मैच करें, बिफोर दे आर पुट ऑन द मार्केट, मार्केट में जाने से पहले। दे हैंडल्ड ऑल द रेड टेप, रेड टेप मतलब समझते हो ना, लाल फीताशाही, कानूनी कार्रवाई है ना, सरकार की तरफ से जो कानूनी कार्रवाइयां होती हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरा करेंगे। डैट गोज इनटू सक्सेसफुल रिलीज ऑफ अ ड्रग, अगर वो कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं होती, टैक्स मतलब टैक्स तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, कौन कौन से रूल रेगुलेशन है, क्या उनके अनुकूल बना है, वो पूरा कागज डॉक्यूमेंटेशन करके आगे देना होता है कि हाँ हमारी दवाई इतना लॉट इस टाइम पर ये बना है और अब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है, तो पूरा प्रोसेस रहती है वो यहाँ कवर करता है वो। दे कोऑर्डिनेट विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोऑर्डिनेट भी करता है अगर कहीं और माल की सप्लाई होनी है, एंड साइंटिस्ट टू फैसिलिटेट ड्रग रिसर्च, और साइंटिस्ट के साथ भी वो करता है क्या, जिससे कि ड्रग रिसर्च में हेल्प मिल सके। प्लान ड्रग ट्रायल्स, ड्रग ट्रायल्स यानी कि जो नई नई ड्रग आती है उनके ट्रायल्स के लिए वो प्लान करता है, एंड रिव्यू एंड इंटरप्रेट साइंटिफिक रिपोर्ट डाटा, रिव्यू करता है और इंटरप्रेट उनकी एक्सप्लेन करता है साइंटिफिक रिपोर्ट, जो साइंटिफिक रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है उनको रिव्यू करेगा, चेक करेगा और इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, साइंटिफिक रिपोर्ट डाटा, ऑब्वियसली बात है साइंटिस्ट ने कोई ड्रग को लेकर के रिपोर्ट बनाई है क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान, तो उसको कोई और ना समझ पाएगा ना पढ़ पाएगा, कौन पढ़ पाएगा समझ पाएगा, केवल और केवल फार्मासिस्ट, बात समझ में आ रही है। दे ऑल्सो अप्लाई टू अप्रूवल एंड परमिट फ्रॉम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यही लोग हैं फार्मासिस्ट ही हैं जो कंपनी की तरफ से अप्लाई करते हैं, अप्रूवल भेजेंगे किसको, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, कि भैया हमारी ये मेडिसिन है इसको अप्रूव करना है, तो वहां से अगर क्वेरी आती है ड्रग को लेकर, तो ड्रग को समझेगा कौन, फार्मासिस्ट समझेगा कि ये सब चीजें केमिकल कम ज्यादा है करके चेक कर लो इनको। दे माइट ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद इंटरनेशनल रेगुलेटरी ऑफिसर्स एज ऑफिसर्स एज वेल, अगर उनको एक्सपोर्ट करना है माल तो इंटरनेशनल रेगुलेटरीज जो होती है उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि देखो आपकी नीड के हिसाब से हमने सारे टर्म वो काम किया है, आप इसको चेक कर लीजिए, बात समझ में आ गई है। देन आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मासिस्ट प्रोवाइड एन इनवैल्यूएबल इंटरफेस, एक इनवैल्यू जिसकी मतलब कीमत नहीं लगा सकती है, इंटरफेस मतलब बीच है ना, जैसे कि इस समय मेरे और हवा के बीच में ये स्किन जो है वो क्या काम कर रही है, इंटरफेस का काम कर रही है, स्किन और मेरे बीच में कौन है इंटरफेस, सॉरी मेरे और इस एयर के बीच में इंटरफेस कौन है, स्किन, ये हम दोनों को जोड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये फार्मासिस्ट जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, एस्टेब्लिश वर्किंग रिलेशनशिप जोड़ रहे हैं बिटवीन साइंटिस्ट एंड द क्लिनिशियंस।
जो साइंटिस्ट हैं और जो क्लिनिक में बैठे फिजिशियंस हैं उनको आपस में जोड़ रहा है। फिजिशियन बताता है अच्छा ये दवाइयाँ इसमें ऐसी ऐसी दिक्कत है ये है, साइंटिस्ट समझता है अच्छा ये सब चीज़ें इंप्रूव कैसे किया जाए। तो इनके बीच में सारा रोल कौन प्ले कर रहा है? फार्मासिस्ट। क्योंकि ना तो ये डायरेक्ट इसके पास जाएगा ना ये डायरेक्ट इसके पास जाएगा, बहुत रेयर चांस होता है कि दोनों मिले। ठीक है, अक्रॉस द डेवलपमेंट एरिना, जिस समय ड्रग का डेवलपमेंट चल रहा होगा उस दौरान ये एक इंटरफेस का काम करते हैं। कौन? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फार्मासिस्ट। ड्यूरिंग द डिस्कवरी रिसर्च फेज, जिस समय डिस्कवरी हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, फार्मासिस्ट विल वर्क विद अदर साइंटिस्ट टू डेवलप एंड सिलेक्ट द कंपाउंड दैट मे बी वैल्यूएबल एज अ मेडिसिन। ठीक है, तो मेन काम इसका क्या है, जिस समय डिस्कवरी ऑफ रिसर्च चल रहा है उस समय किसका रिसर्च चल रहा है? डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। फार्मासिस्ट विल वर्क विद अदर साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के साथ काम करेगा टू डेवलप एंड सिलेक्ट द कंपाउंड, डेवलप करने में और कंपाउंड को सिलेक्ट करने में, डैट मे बी वैल्यूएबल एज मेडिसिन, जो कि दवाई की तरह मेडिसिन की तरह वैल्यूएबल हो। अच्छा, अब यहां पे तुमने सोचा मेडिसिन तो बनानी है? नहीं भैया, ये टर्म पता ना, ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर है? क्लियर है टर्म? नहीं है, क्यों बार बार मेडिसिन बोला जाता है, ड्रग नहीं बोला जाता है। ड्रग एनी केमिकल होता है, ड्रग मतलब एनी केमिकल, एनी केमिकल जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाले, अच्छा है बुरा वो बात की बात है, कोई भी केमिकल जो हमारी बॉडी पर असर डालेगा ड्रग कहलाएगा। जो अच्छे इफेक्ट डालेगा, जो हमारी बॉडी को ठीक करेगा, उन ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिसिंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, एक क्वालिटी एश्योरेंस था, क्वालिटी को सुनिश्चित करना, एक क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी को कंट्रोल करना कि प्रोडक्शन होते वक्त वो कहीं दाएं बाएं ना हो जाए। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल एम्स एट इन्वेस्टिगेटिंग मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो गई है उनको जांचना, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कंपेंडियल स्पेसिफिकेशन, जो ड्रग बन गई है उसको रैंडम चूज करेगा फार्मासिस्ट और देखेगा कि क्या जो कंपेंडियल, कंपेंडियल मतलब जो हमारी बुक में जो रेफरेंस चीजें हैं उसके हिसाब से इसके अंदर सारी चीजें बनी कि नहीं बनी, हमारा ड्रग बनकर तैयार हो गया फाइनली, अब उसकी फिर से एक बार जांच होती है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड टू मॉनिटर दैट दे आर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी, फिर उनको चेक करता है कि जो ड्रग बना है हमारा सीसी बनकर, एक टैबलेट बनकर तैयार हो गई है, वो रिक्वायर्ड क्वालिटी के हिसाब से है या नहीं है, अगर क्वालिटी की कमी है तो उस बैच को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल इज कंसर्न्ड विद द, किससे नाता रखती है क्वालिटी कंट्रोल? कंसर्न करती है, किसको कंसर्न करती है, किससे वास्ता रखती है? विद द सेटिंग अप स्पेसिफिकेशंस, कुछ खास स्पेसिफिकेशन सेट कर दिए गए हैं, उसके बाद क्या होगा कि हाँ इस जो दवाई का स्टैंडर्ड है, मान लो एक टैबलेट है, इसके स्टैंडर्ड्स, कोई केमिकल है, प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, इसके अंदर जो और बाइंडर्स हैं, कुछ तमाम चीजें होती हैं, एक स्पेसिफिकेशन सेट है, ठीक है, इसके हिसाब से सारे मैच करने चाहिए, इतने इतने इतना होना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सैंपल को ड्रॉ करेंगे, मतलब निकालेंगे, टेस्ट करेंगे एंड जनरेट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द टेस्ट एंड देयर रिपोर्ट, फिर सारे रिपोर्ट जनरेट करेंगे, देखेंगे अच्छा हाँ ठीक है, मैच कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो मामला गड़बड़। क्लियर है? अदर सेटिंग्स की बात करें अगर, तो एकेडमिक सबको पता है ना, जैसे कि तुम्हारे टीचर हो तुमको पढ़ा रहे हैं वो भी क्या है, फार्मासिस्ट है, तुम्हारे यहाँ जो प्रिंसिपल होंगे वो भी क्या है, फार्मासिस्ट है, तो एकेडमिक का सिंपल है, लिख सकते हो एकेडमिक फार्मासिस्ट आर फुल टाइम फैकल्टी मेंबर, फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स होते हैं ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी या पॉलिटेक्निक में हो सकते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, वो टीचिंग और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किसकी होती है, लैब वर्क करवाते हैं, ठीक है, प्लस साथ साथ में जो क्या कहते हैं रिसर्च वाले स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, जो वहां पे काम कर रहे होते हैं रिसर्च वाले, उनको ट्रेन कर रहे होते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फ्यूचर जनरेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, बिसाइड टीचिंग एकेडमिक फार्मासिस्ट इन अ यूनिवर्सिटी आल्सो एंगेज इन रिसर्च, ये लोग रिसर्च में भी एंगेज होते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक का तो काफी आसान था। रेगुलेटरी, ये रेगुलेटरी और वो रेगुलेटरी में क्या अंतर है, जो इससे पीछे वाली रेगुलेटरी हमने पीछे पढ़ी थी वो कंपनी के अंदर चीजों को देखती है कि वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से है या नहीं है, ये रेगुलेटरी है जब हम गवर्नमेंट में आ जाते हैं एज ए फार्मासिस्ट और अब रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, ये अंतर है दोनों में। आल्सो नोन एज गवर्नमेंट फार्मेसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फार्मेसी। रेगुलेटरी फार्मेसी इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग रूल्स, ये रिस्पॉन्सिबल है रूल्स को बनाने के लिए एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए फॉर द सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, ताकि दवाइयों का सेफ यूज हो सके, टू प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ आउटकम, जिससे कि लोगों का जो हेल्थ के आउटकम है, हेल्थ जो है अच्छी रहे। दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, फार्मासिस्ट वर्किंग इन अ पब्लिक हेल्थ एंड
रेगुलेटरी हेल्थ बोर्ड, ठीक है ना, जो बोर्ड्स होती है, जो हमारी संस्था होती है, जो टीम होती है, ये जो फार्मासिस्ट होते हैं इसके अंदर आते हैं, सच एज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स या अपनी इंडिया कह लो, है ना, यूनाइटेड स्टेट कह लो या अपनी इंडिया कह लो। तो यहां पर जो इसके बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या करते हैं, फार्मासिस्ट आते हैं, एज अ वर्क करते हैं और रूल रेगुलेशन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है, यहां तक चैप्टर समझ में आया कि क्या था, एज अ कैरियर तुम लोग क्या कर सकते हो, क्लियर है? अगर ये सब क्लियर है तो फार्मेसी एज अ कैरियर का ये टॉपिक आज हमारा क्या होता है, यहां पे फिनिश होता है। और अब देख लें एक और चीज, है ना, काफी लोग इस बारे में जान चुके हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग देखें, बाकी लोग आराम से वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। समझो माइंड नर्चर जो ऐप अब आपका यूट्यूब पर आ चुका है, ठीक है ना, अवेलेबल एट अ प्ले स्टोर, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है। ऐप में आपको मिलने वाली है ढेर सारे क्वेश्चंस, है ना, फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहां पर ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, 1 मार्क्स वाले जो आपके फार्मेसी में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, लाइव क्लास, जो भी डाउट होगा, बैच क्रिएट होंगे, जो भी डाउट होगा उसके लिए मैं लाइव बच्चों से जुड़ूंगा, सामने आकर के हम बैठ करके आमने सामने बात करेंगे, देखेंगे क्या क्या डाउट है। एमसीक्यू होंगे, ढेर सारे एमसीक्यू होंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो कि डीफार्म एंड एग्जिट एग्जाम पर बेस्ड होंगे, जो डीफार्म और एग्जिट एग्जाम का पैटर्न है एमसीक्यू का उसके ऊपर बेस्ड होगा। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और रूटीन टेस्ट होने वाले हैं, फॉर डीफार्म एंड एग्जिट एग्जाम के पैटर्न पर रूटीन टेस्ट होंगे। अल्टीमेटली होगा क्या कि जो लास्ट में जाते जाते तुम लोग क्या है, एग्जाम के डर से बाहर निकल आओगे। बात समझ में आ रही है? अब अगर इनमें कोई डाउट है ऐप को लेकर के, सर इसका प्राइस वगैरह वगैरह जो भी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां पे क्या है करके, तो मेरे को बेझिझक मेरे को कॉल करें, मेरा नंबर यहां सामने है, ठीक है ना, कॉल करें और मुझसे पूछें और इस ऐप का पूरा 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 फायदा उठाएं, जिससे कि आप एक बेटर मार्क्स सिक्योर कर पाए फ्यूचर में। ओके, तो करोगे ना, और सबसे जरूरी बात रिविजन, तो रिविजन करते रहना और पढ़ते रहना। क्लियर? ऑल द बेस्ट।